जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई के तौर पर शपथ दिलाई। न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार है जब पिता पुत्र सीजेआई बने हैं। उनके पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ भी 7 साल से ज्यादा समय तक सीजेआई रहे थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे जिन्होंने 11 अक्टूबर को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मेहनती जज भी कहते हैं। अपने जन्मदिन पर भी चंद्रचूड़ लगातार कई घंटों तक काम करते रहे थे। कानून और न्याय प्रणाली की अलग समझ की वजह से चंद्रचूड़ ने 2 बार अपने पिता पूर्व चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फैसले को भी पलटा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम अनगिनत ऐतिहासिक फैसले हैं। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसले में जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने पर फैसला लिया था। अविवाहित या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया है। पहली बार मैरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार की भावना का उल्लंघन करता है। वैवाहिक संस्थानों के भीतर अपमानजनक संबंधों के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने पहली बार वैवाहिक बलात्कार के अपराध को कानूनी मान्यता देते हुए फैसला सुनाया कि एक विवाहित महिला की जबरदस्ती गर्भावस्था को गर्भपात के प्रयोजनों के लिए वैवाहिक बलात्कार के रूप में माना जा सकता है। महिला अधिकारों को लेकर उन्होंने सेना और नेवी में परमानेंट कमीशन जैसे फैसले सुनाए। वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे पर अवैध तरीके से बनाई गई सुपर टेक ट्विन टावर को भी ढहाने के आदेश उन्होंने जारी किए थे। सोशल पोस्ट करने पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश को लेकर भी इनकी चर्चा हुई थी। चंद्रचूड़ कई संवैधानिक पीठों का हिस्सा भी रहे हैं। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला निजता के आधार व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने और समलैंगिकता को अपराध यानी आईपीसी की धारा 377 से बाहर करने, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और लिविंग जैसे बड़े फैसले दिए हैं।